नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ 10 रुपए के पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के लिए, आप 5-5 रुपए वाले आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन पैकेट को छीलकर इनके बिस्किट जो है वो निकाल लेंगे। तो देखिए, सभी पैकेट के बिस्किट हम इसी तरह निकाल लेंगे। और अब हमें इनको फ्राई करना है, तो चलते हैं गैस की तरफ। आप तेल, घी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ऑयल का यूज़ किया है। और अब हम इसके अंदर एक एक करके बिस्किट डाल लेंगे, क्योंकि हमें मीडियम सा गर्म तेल चाहिए, हाई गर्म नहीं चाहिए। हाई गर्म में अगर हम बिस्किट डाल लेंगे तो ये डालते ही जल जाएंगे, तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई करने में। बहुत ही जल्दी ये बिस्किट जो है वो फ्राई हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे ये। तो बस इस तरह उलट पलट करते हम इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो गए हैं। सभी बिस्किट हम इसी तरह फ्राई कर तैयार कर लेंगे। देखिए ये बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या है, सभी बिस्किट फ्राई कर लिए हैं और इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर ले लेंगे और 1/2 कप हम इसके अंदर दूध का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ दूध का यूज़ करा है, आप मलाई भी ले सकते हैं। मैंने 1/2 कप दूध लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लम्स फ्री घोल बना लेंगे। तो देखिए घोल मैंने बना लिया है, विस्कर की सहायता से एक बार और फेंट लेते हैं ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो अब हम इसे भी साइड में रख देंगे, घोल तैयार है। और अब हम बिस्किट के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। ताकि जब हम इनको मिक्सी जार में डालकर पीसें तो ये आराम से पीस जाएं। बिस्किट को एकदम ठंडा करके ही आप तोड़ें। और अब मैं एक मिक्सी का जार ले लूँगी, उसके अंदर हम सभी बिस्किट डालकर पीस लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके भी पीस सकते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा कर ही पीसूँगी। तो इसको हम पीस लेंगे, तो सभी हम इसी तरह पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 1/2 कप दूध डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच पिसी हुई शुगर डाल देंगे। आप दाना शुगर भी ले सकते हैं, पर मैंने पिसी हुई शुगर का यूज़ किया है। शुगर को अच्छे से मिक्स करते हुए हम घोल लेंगे और दूध के हम अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं दूध जो है वो गर्म हो गया है। अब हम बिस्किट का जो हमने पेस्ट सा बना के रखा था वो डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे भी आप फ्रेंड मलाई का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं, पर मलाई जो आप यूज़ करें वो फ्रेश दूध की मलाई ही यूज़ करें, 4-5 दिन पुरानी मलाई का यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें हल्कापन खट्टापन आ जाता है तो वो फिर मिठाई जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं बिस्किट ने जो सारा दूध सोख लिया है। और अब हम ये मिल्क पाउडर वाला घोल इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारी बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मिक्स करते हुए हम इसे
पकाएंगे। और ध्यान रहे, गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, हाई नहीं रखना है। हाई रखा तो ये जलने लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखें, फ्लेम जो है वो हाई नहीं रहना चाहिए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये डो की फॉर्म में आ गया है। तो आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और एक ये डो की फॉर्म में आ गया है। आधी चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे क्या होगा, शाइन आएगी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। तो देखिए इससे इसके ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए डो तैयार हो गया, गैस को बंद कर देंगे। मैंने एक केक टिन लिया, उसमें बटर पेपर लगा दिया है और ये सारा डो बर्फ़ी का हम केक टिन में डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट कर दिया। आप कोई भी थाली प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, गहरी जो आपके पास हो, कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो उसमें भी आप बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसे सेट करने के बाद ना फ्रेंड, हमें आधे घंटे के लिए इसी तरह इसे छोड़ना होगा ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए सेट तो मैंने कर दी है अच्छे से, और अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम वापस से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। आप 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अब हम बर्फ़ी को निकाल लेंगे। बटर पेपर लगाने से बर्फ़ी जो है बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो बटर पेपर आप देख सकते हैं, बटर पेपर पर बिल्कुल भी नहीं चिपकी है ये। और अब हम इसे ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने वर्क पेपर का इस्तेमाल करी है, चांदी वर्क जो होता है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो चांदी वर्क या अच्छे वाला आपके पास हो वो ही यूज़ करें, वरना ना करें। आप काजू बादाम या सिंपल भी इसे काट सकते हैं, पर ये दिखने में सुंदर लगे इसलिए मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। तो बस इसी तरह हम चांदी का वर्क पूरे पे लगा देंगे और फिर इसके ऊपर थोड़े थोड़े बादाम की बारीक कटी हुई कतरन डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप प्लेन भी बना सकते हैं, प्लेन में बहुत सुंदर लगती है, खाने में टेस्टी भी लगती है। और इस अच्छे से दबा देंगे। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी को पूरी तरह सजा दिया है और अब हम इसे मनपसंद के पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप अपनी मनपसंद के पीसेस में इसे कट कर सकते हैं। मैं बर्फ़ी की शेप में ही इसे चौकुर कट कर रही हूँ, जिससे ये वेस्ट भी नहीं जाएगी और अच्छे से कट भी जाएगी। कितनी सॉफ्ट बनी है आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि ये बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।